हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। हाँ, आज हम राखी बनाने वाले हैं। घर पे राखी बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। राखी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले मौली लिया है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप मौली की जगह ऊन भी ले सकते हैं। मौली को आप जितना बड़ा राखी बनाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग कट कर लीजिए और राखी के डोरी को मोटा करने के लिए मौली को दो बार फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने जो सुई लिया है उसे पतले धागे में पिरो देंगे और उसे बांध देंगे। फिर जो हमने मौली लिया है उसमें इसे डालकर दोनों तरफ से बराबर कर लेंगे। मैंने जो यहाँ पे सुई का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही पतली है। ये सुई मोती पिरोने के लिए ही आती है। अगर आपके पास ये सुई नहीं है तो आप इसकी जगह जो घर में बिजली की तार होती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। बिजली की तार को आप बीच से कट करें और उसके अंदर से जो तार निकलती है उसे आप इस सुई के जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मौली में सारी मोतियां पिरो दी है और मैं इसे बीच में एक बराबर करके सेट कर लूँगी। तो देखिए, हमारा राखी बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही आसानी से बन गया। इसके बाद हम इसे इस तरह से बांध देंगे। इस तरह से बांधने से हमने जो मोतियां इसमें पिरोई है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी। इस तरह से बांधने के बाद हमें जितनी लंबी राखी की डोरी रखनी है उतना रखेंगे, बाकी का एक्स्ट्रा मौली कट कर देंगे। तो हमारा पहला राखी बनके तैयार हो गया है। अब हम अपना दूसरा राखी बनाएंगे। दूसरा राखी बनाने के लिए मैंने इस तरह का लेस लिया है। ये भी बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अगर आपके पास इस तरह की लेस घर पे है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये लेस कलाई के बीच में रहेगा तो मैंने इसे बहुत बड़ा कट नहीं किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कट करें। उसके बाद जो मौली है उसे ले लें और उसे इस तरह से सुई में पिरो के दूसरे साइड से निकाल के इसे बीच में अच्छे तरीके से बांध दें। आप इसे ध्यान से देखें, इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने मौली को चारों कोन से बांध दिया है। उसके बाद मैं अब सिंगल सिंगल मौली लेकर और उसमें कुछ मोतियां पिरोऊंगी। इस तरह से मोती पिरोने के बाद हम एक तरफ के पूरे मौली को एक जगह करेंगे और उसमें मोती पिरोकर उसे एक जगह कर लेंगे। अब इसे भी हम इस तरह से बांध देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा राखी भी बनके तैयार हो गया है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।